9 मई को इसी साल पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे एक काफ़ी सीरियस रॉकेट अटैक हुआ था RPG-22 से, क्योंकि बहुत ही सेंसेशनल इंसिडेंट था। तो उसी टाइम स्पेशल सेल ने इस इंसिडेंट पे मल्टीपल टीम्स ने काम करना शुरू किया। इसमें हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की टीम अंडर मनीषी चंद्रा, DCP न्यू दिल्ली रेंज, सदर्न रेंज, बाकी रेंजेस ने भी काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया। सबसे पहले हमारी CI की टीम ने ये एस्टेब्लिश कर पाए कि इसमें जो लोगों ने रॉकेट फायर किया था उनमें एक था दीपक सूरखपुर, जो कि सूरखपुर हरियाणा का रहने वाला है, और दूसरा चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम है, लेकिन फैज़ाबाद UP का रहने वाला है। तो जब इस पे फर्दर काम किया गया तो ये पता चला कि ये लोग इन्होंने काफ़ी और सीरियस क्राइम्स भी अंजाम दे रखे हैं, जिनमें से 2 नोटेबल जो क्राइम्स थे वो था पिछले साल का 4 अगस्त 2021 को इन्होंने अमृतसर में हॉस्पिटल में राणा कंदोवालिया, जिसका नाम था रणबीर सिंह कंदोवालिया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के ऑपोजिट गैंग का मेन शूटर था, उसको मारा। उसमें इनके साथ 2 लोग और थे। उस घटना को अंजाम देने के बाद इन्होंने इस साल 5 अप्रैल को संजय बयानी, जो कि नांदेड़ का एक बिल्डर था, प्रोमिनेंट बिजनेसमैन था, उसको मारा। जो पहला इंसिडेंट था राणा कंदोवालिया वाला, उसकी टास्किंग लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया सिंडिकेट द्वारा की गई थी। उसमें उनका एक और साथी भी मोनू डागर और एक और क्यूज भी शामिल था, जिसके गोली भी लगी थी। जो 5 अप्रैल वाला इंसिडेंट था जिसमें संजय बयानी को मारा गया, इसकी टास्किंग हरविंदर सिंह रिंदा, जो कि पाकिस्तान में बेस्ड है, बबर खालसा इंटरनेशनल से लिंक्ड है, उसने करी थी। 9 मई 2022 इसी साल जो पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे RPG अटैक हुआ, उसकी टास्किंग ISI बबर खालसा और हरविंदर रिंदा नेक्सस ने करी थी, जिसमें बाद में ये भी पता चला कि लंडा हरी के, जो कि कनाडा बेस्ड है, उसकी भी भूमिका सामने आई। तो इस तरीके से ये 3 बहुत ही नोटेबल, बहुत ही सीरियस इंसिडेंट्स थे, जिनका फुटप्रिंट डिफरेंट स्टेट्स में था, और ये लोग क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के मेंबर हैं, क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट से लगातार बात करते हैं, जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन्होंने बहुत सारी अपने हाइडआउट्स बदले, बहुत सारी अपनी आइडेंटिटीज़ को कंसील करने की तमाम कोशिशें करी, और बहुत सारे इन्होंने और जो जो ये कर सकते थे, मेजर्स ले सकते थे अपने आप को बचाने के लिए लिए। लेकिन स्पेशल सेल, जैसा कि आपने पहले भी तमाम केसों में देखा है, हमारी टीमों ने लगातार इस पे काम किया, और बहुत ही एक एक्सटेंसिव ऑपरेशन के बाद जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, इसको एप्रीहेंड किया गया जामनगर एरिया से। तो सुबह इसको बाय फ्लाइट विद परमिशन लेके आया गया, और आज इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे पेश किया जाएगा, क्योंकि अभी भी इसकी उम्र 18 साल नहीं है। इसके साथ एक अर्शदीप सिंह, जो कि बहुत ही 2 सीरियस केसेस में वांटेड था, मेन अक्यूज था, एक केस पंजाब का है जिसमें IEDs मिली थी और ग्रेनेड मिले थे, और नारकोटिक्स का भी केस था, और दूसरा केस हरियाणा का है जिसमें भी IEDs मिली थी और ग्रेनेड्स मिले थे, उसका वांटेड है। तो इस तरीके से स्पेशल सेल ने इनको अरेस्ट और एप्रीहेंड करके ना तो बहुत ही 3 सीरियस केसेस के जो मेन शूटर या रॉकेट फायरर थे उनको पकड़ा है, बल्कि इनकी अभी तक की इंटरोगेशन और क्वेश्चनिंग से ये भी सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया सिंडिकेट द्वारा सलमान खान को टारगेट करने की भी इनको टास्किंग की गई थी, जिसमें कि ये चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ था, दूसरा इसके साथ दीपक सूरखपुर था, तीसरा मोनू डागर था, और
ये इसलिए इन्होंने नहीं अंजाम दिया क्योंकि इनका जो प्राइमरी टारगेट था वो राणा कंदोवालिया को कर दिया गया। तो राणा कंदोवालिया और रॉकेट फायरिंग के बाद जो इनका अब इनका मेन टारगेट था वो इनकी जो अभी तक क्वेश्चनिंग में सामने आया वो एक बहुत ही इस तरीके से सेंसेशनल क्राइम को अंजाम देने का था और इनकी टाइमली एप्रिहेंशन से और टाइमली अरेस्ट से इसको हम प्रिवेंट कर पाए हैं और फर्दर इसमें अर्शदीप की तो कस्टडी रिमांड लेके फर्दर क्वेश्चनिंग करी जाएगी। जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे पेश किया जाएगा और फर्दर वो जो भी उनका जुवेनाइल होम है वहाँ पे जो भी कार्रवाई होगी और कोर्ट में भी अर्जी लगाई जाएगी क्योंकि आपको पता है कि अगर 16 साल से उम्र ज़्यादा है और 18 से कम है और अगर सीरियस और सेंसेशनल हीनियस केसेस में आप इन्वॉल्व हैं तो कोर्ट को राइट्स है उसको एज अडल्ट ट्रीट करके उसमें ट्रायल करना। टारगेट एक तो आपको बता ही दिया, तीन आपको बता दिए जो कर चुके हैं, एक आपको बता दिया, एक इन्होंने अभी अब क्योंकि बड़े लिमिटेड आवर्स हुए हैं, एक इन्होंने राइवल गैंग, एक तो दीपक सुरखपुर के राइवल को मारना था, एक टारगेट वो था, एक टारगेट लंडा हरीके ने इनको दिया था उसको टारगेट करना था और अरिंदा ने इनको बोला था कि इनको फ्यूचर में टारगेट्स दिए जाएंगे। जब से इन्होंने रॉकेट फायर किया तब से इसको लगातार हरविंदर रिंदा डिफरेंट तरीके से पैसे भेजता रहा है और संजय बयानी को मारने के लिए 9 लाख रुपए इनको मिले, दोनों जो शूटर थे उनको 4.5-4 लाख के करीब पैसे मिले। उसके बाद ऑलमोस्ट जब भी ज़रूरत पड़ती थी 50,000-60,000 रुपए तो वेस्टर्न यूनियन से इसको मनी ट्रांसफ़र होता था। तो इस तरीके से इनको लगातार हैंडल किया जा रहा था, लगातार ग्रूम किया जा रहा था, अपने जो सिंडिकेट के बाकी एसोसिएट्स थे उनके साथ इनको टच कराया जा रहा था। आप को ये जान के एक्सटेंसिवनेस का पता आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि पंजाब में और महाराष्ट्र में तो वारदातें करी, उसके बाद तकरीबन 18 स्टेट्स में ये लोग रह चुके हैं पिछले 4 महीने में। तो इतनी जगह पे ठहरना, इतनी जगह पे रुकना, इतनी इनकी लोकेशंस चेंज होना, बहुत ही एक एक्सटेंसिव सिंडिकेट की रीच जो इनकी है, जो इनके साथी हैं, जो इनके साथ एक्टिव रहे हैं, उसको डेमोंस्ट्रेट करता है। सर, ये सलमान ये जो जुवेनाइल था, ये सलमान खान की रैकी करने किस टाइम पीरियड में मुंबई गया था और ये लॉरेंस गैंग से कैसे अटैच हुआ था, किसके जरिए था? इसमें जो रैकी थी अभी इन्होंने नहीं करी थी, इनको टास्किंग थी कि ये बड़े वारदात करने के बाद इन्होंने इसको अंजाम देना है, रैकी अभी नहीं करी थी इस मॉड्यूल ने। और लॉरेंस और जग्गू और जो बाकी इनके तमाम सिंडिकेट है जिसके नाम आप सारे जानते हैं, काला जथेडी एट्सेट्रा, तो इसके साथ ये जो दीपक सुरखपुर है ये पुराना क्रिमिनल है, नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर तक ये एक्टिवली लॉरेंस के सिंडिकेट के टच में था, लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स इस पे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो हरविंदर रिंदा और क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स का हो गया, जिसके कारण इनको लगा कि पैसा ज़्यादा मिलेगा अगर ये क्राइम करते हैं। तो इनको था कि जैसे राणा को मारा तो इनको 40,000-40,000 रुपये मिले, लेकिन संजय बयानी को मारा तो 4.5-4 लाख मिले, पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे रॉकेट फायर किया तो उससे ज़्यादा पैसे की इनको लालच दिया गया था। तो एक हार्डन्ड क्रिमिनल है इनके सिंडिकेट के मेंबर्स, तो इनको ये है कि जितना बड़ा वारदात को अंजाम देंगे उतना शायद इनको ज़्यादा इकोनॉमिक गेन होगा, तो वो भी एक डायमेंशन है। सर, सलमान खान क्यों लॉरेंस मिशन के टारगेट पे, इस गैंग के टारगेट पे? ये आपको पहले कितनी बार तो बता चुके हैं। सर, इस नवाली को जो सलमान खान ने क्या टास्क दिया गया था, मारने के लिए या इसको अभी दिया गया था कि आप चाहते हैं तीसरी चौथी बार ये टारगेट देखें, मतलब रीजन? रीजन तो वही है ना, एक ही आपको पहले बता चुका हूं। सर, क्या अलग अलग लोगों को टास्क दिया जा रहा था बार बार सलमान खान के लिए? ये तीसरा वो है सर,
वो एक तो पहले उनका फेल हो गया, संपत नेहरा पकड़ा गया, अंकित भादु एनकाउंटर में मर गया, उसके बाद जो बाकी लोग रेकी करके आए, फिर उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को टारगेट कर दिया, इनको बोला था, इनको बोला कि राणा कंदोवालिया पहले करो उसके बाद करो, तो ऑर्गेनाइज गैंगस्टर है, इनकी प्रायोरिटी, इनका टारगेट चेंज होते हैं। राणा कंदोवालिया इन्होंने मारा है 4 अगस्त 2021 को, तो उससे पहले इनको बोला गया था, फिर इनको बोला कि पहले राणा कंदोवालिया को टारगेट करना है, इसलिए इन्होंने सलमान खान वाला बैक बर्नर पे कर दिया। सर, ये आपको लग रहा है कि जो रिंदा है या जो लाटा है, ये लोग सर जो दोनों गैंग है, बम्बैया और लॉरेंस, इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर? क्योंकि कई अभी केस देखे काउंटर इंटेलिजेंस जो पकड़े सर, वो रिंदा से भी बात कर रहे हैं, गोल्डी बारात से भी बात कर रहे हैं सर। देखिए, क्राइम की कोई बाउंड्री बहुत वाटरटाइट नहीं है, और हमने इंक्रीजिंगली देखा है कि जो एंटी टेरर डायमेंशन में एक्टर्स हैं, ये बहुत ऑफ्टन, क्योंकि इनको तो क्रॉस बॉर्डर जो हॉस्टल एजेंसीज हैं, ISI है और बाकी जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, वो उन लोगों का हमेशा मकसद रहता है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि देश में कुछ डिस्टर्बेंस हो, कुछ ऐसा नेगेटिविटी हो। तो उसमें जो लोग वहाँ पे उनकी शरण में हैं, जो उनकी मर्सी पे हैं, जिनको वो पैटर्नाइज कर रहे हैं, उनका जो भी यहाँ लोकल एसोसिएट है, लोकल उनके साथी हैं, उनको लगातार टास्किंग रहती है। मल्टीपल IEDs के सीजर हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं, जॉइंट ऑपरेशन बाय डिफरेंट पुलिस फोर्सेज विद सेंट्रल एजेंसीज हुआ है, तो ये सारा उसके मद्देनजर ही हुआ है। सर, रॉकेट फायरिंग के मामले में पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया है, although this is one of your cases, इसने आप लोगों को इंटरोगेशन में क्या बताया? क्योंकि अल्टीमेट मकसद तो ठीक है टेरर फैलाना ही है, लेकिन इसने इंटरोगेशन में क्या बताया कि क्या एक्चुअली मकसद था वहां पर? नहीं, मकसद तो यही था कि एक बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक टेरर एक्ट है, अगर आप किसी स्टेट पुलिस के हेडक्वार्टर पे, जो कि काउंटर टेरर का काम देख रही है या इंटेलिजेंस का काम देख रही है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक्ट था। लकीली उसमें कोई ज़्यादा जान माल का नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो थोड़ा आउट ऑफ रेंज था वो, जहाँ से इन्होंने किया, वो सड़क के पार एक खाली प्लॉट था, उसकी दीवार थी, वहाँ पर खड़े होकर इन्होंने फायर किया। दूसरा, शाम के तकरीबन 7:45 का टाइम था, तब तक ऑफिस ज़्यादातर लोग नहीं थे, और बिल्डिंग काफ़ी हैवीली कॉन्क्रीटाइज थी, जहाँ पे ये लगा एम्ड भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था। इट डिड हैव सम डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट नॉट सफिशिएंट इनफ टू कॉज एनी लॉस ऑफ लाइफ। सर, आपके इतिहास में क्या अभी तक ऐसा भी कोई चौथा मॉड्यूल सामने आया जो सलमान खान के लिए काम कर रहा हो? जो सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे।